नमस्कार, मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। बजट में मिल सकता है करोड़ों किसानों को तोहफा, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि में वृद्धि संभव, 6000 की जगह खाते में आएंगे इतने रुपए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थी किसानों के लिए अच्छी खबर है। पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त के 2000 रुपए के बाद किसानों को एक और तोहफा मिल सकता है। खबर है कि जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में केंद्र की मोदी सरकार पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की राशि बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण योजना की राशि 1500 से 2000 तक बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इसके अलावा न्यूनतम गारंटी योजना के तहत भुगतान बढ़ाने और महिला किसानों के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार हो सकता है। 6000 से बढ़कर 8000 हो सकती है सम्मान निधि। पीएम किसान योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजनाओं में से एक है। इसके तहत किसानों को हर 4 माह में 3 किस्तों में 2000 करके सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं। ये लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है। ये पैसा डेबिट यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों खातों में भेजा जाता है। खबर है कि ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट सत्र 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार इस बार सम्मान निधि योजना की राशि में 1500 से लेकर 3000 तक वृद्धि कर सकती है। यानी किसानों को 6000 की जगह 8 या 9000 रुपये सालाना दिए जाने का फैसला हो सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इस संबंध में कोई पुष्टि नहीं की गई है। कब जारी हो सकती है 18वीं किस्त? पीएम किसान योजना के नियम अनुसार पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। हाल में ही 18 जून को पीएम मोदी ने 17वीं किस्त के 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि 9,03,00,000 किसानों खातों में जारी की है और अब अगली किस्त सितंबर अक्टूबर में जारी होने की संभावना है। गेहूं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र ने तय की स्टॉक की लिमिट। आपको बता दें, देश में खाद्यान्न की जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं पर स्टॉक होल्डिंग की सीमा निर्धारित कर दी है। ये सीमा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ट्रेडर्स, होलसेलर, रिटेलर्स, बिग चेन रिटेलर्स और प्रोसेसर्स पर लागू होगी। ये आदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। केंद्रीय फूड सेक्रेटरी संजीव चौटाला ने कहा कि सिंगल रिटेलर्स, बिग चेन रिटेलर्स, प्रोसेसर और होलसेलर हर शुक्रवार को अपने स्टोर्स में मौजूद गेहूं की स्टॉक की जानकारी देंगे। संजय चोपड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार ने खाद्यान्न की सुलभ आपूर्ति बनाए रखने के लिए जमाखोरी पर अंकुश लगाने के प्रयास शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, देश में गेहूं के पर्याप्त भंडार मौजूद है। उन्होंने बताया कि फिलहाल गेहूं के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध की समीक्षा का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। आटे की कीमत 34 रुपये से बढ़कर 36 रुपये हुई। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले साल की तुलना में गेहूं और आटे की कीमत 2 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई है। 20 जून तक गेहूं की औसत खुदरा कीमत 30 रुपये 99 पैसे प्रति किलोग्राम थी, जो एक साल पहले 28 रुपये 95 पैसे थी। गेहूं के आटे की कीमत भी पिछले साल के 34 रुपये 29 पैसे प्रति किलोग्राम के मुकाबले बढ़कर 36 रुपये 13 पैसे प्रति किलोग्राम हो गई है। मोहन कैबिनेट की बैठक आज, जेलों में नए विरक कैदियों की सुविधा बढ़ाने पर हो सकता है फैसला, बजट प्रस्ताव पर भी होगा पेश। आपको बता दें, आज यानी मंगलवार को मंत्रालय में सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक होने वाली है। इस कैबिनेट मीटिंग में आगामी बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। नई जेलों का निर्माण, विरक और बंदियों के लिए सुविधाओं बढ़ाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। साथ ही 1 जुलाई से शुरू होने जा रहे विधानसभा बजट सत्र में पेश होने वाले 2-3 दिन बिल में पेश किए जाएंगे। आपको बता दें, ये कैबिनेट मीटिंग पिछले गुरुवार को होनी थी, लेकिन सीएम मोहन यादव के नई दिल्ली दौरे को लेकर स्थगित हो गई थी। मीटिंग में सालाना बजट को लेकर होगी चर्चा। मीटिंग में मुख्य रूप से 2024-25 के सालाना बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। वित्त विभाग ने सभी विभाग अध्यक्षों से बजट प्रस्तावों को लेकर चर्चा हो चुकी है। विभाग के कई एक्सपर्ट्स से चर्चा की है, जिसमें टैक्स, स्टॉम ड्यूटी सहित कई विषयों पर सुझाव प्राप्त किए हैं। सीएम मोहन यादव भी लगातार वित्त विभाग के साथ बजट के मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। इन प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। इस कैबिनेट में ये प्रस्ताव आएगा कि प्रदेश में रेलवे से जुड़े मामलों में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ही सरकार की नोडल एजेंसी होगा। इसके साथ ही मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर पदों को खत्म करने पर भी प्रस्ताव पेश किया जाएगा। मेडिकल एजुकेशन विभाग को स्वास्थ्य विभाग में मर्ज कर दिया जाएगा। ये बिल होंगे पेश। इसके साथ ही कैबिनेट में कुछ बिल पेश किए जाएंगे जो कि विधानसभा में जाएंगे। इन बिलों में एक बिल नगरीय प्रशासन विभाग से जुड़ा हुआ है। इस बिल में शहरी विकास की पुरानी धाराओं को बदलने का भी प्रस्ताव है। मध्य प्रदेश में 3 सिस्टम एक्टिव, इस वजह से आंधी बारिश। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में अभी 3 सिस्टम बेस्ट डिटर्वेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन एक्टिव है। इस वजह से पूरे प्रदेश में आंधी बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी हुई है। सोमवार को नर्मदापुरम रतलाम में 1 इंच से ज्यादा बारिश हुई। वहीं भोपाल, छिंदवाड़ा, सागर, ग्वालियर समेत कई जिलों में पानी गिरा। मंगलवार को भी ऐसा ही मौसम रहेगा। भोपाल, इंदौर समेत 43 जिलों में आंधी और गरज चमक का अलर्ट है। कई कई बारिश भी हो सकती है। आज से आगे बढ़ेगा मानसून। आईएमडी भोपाल के वैज्ञानिक
अरुण शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अभी दो वेस्ट डिस्टर्बेंस, दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम है, वही ट्रफ लाइन भी गुजर रही है, इस कारण बारिश का दौर चल रहा है। आने वाले दिनों में तेज बारिश जारी रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून स्थिर रहा, जिसके मंगलवार से आगे बढ़ने की उम्मीद है। अभी तक 22 जिलों में पहुंच चुका है मानसून। आपको बता दें प्रदेश के 32 जिलों में मानसून पहुंच चुका है। इनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, सीहोर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, दामो, सागर, कटनी, उमरिया, शहडोल जिले शामिल है। मंगलवार को ये पूर्वी हिस्से के जिलों में पहुंच सकता है। आज से स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिविटी। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि वेस्ट डिस्टर्बेंस, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह से प्रदेश में बारिश की गतिविधियां हो रही है। 25-26 जून को बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम एक्टिव हो रहा है। रानी दुर्गावती नाम से जाना जाएगा जबलपुर में बना प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाई ओवर। आपको बता दें गोडवाना साम्राज्य की महारानी वीरंगना रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को यहां नरई नाला स्थित समाधि स्थल पहुंचकर पूजा अर्चना की तथा रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समाधि स्थल पर रानी दुर्गावती अमर रहे के नारों के बीच रानी की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया। उन्होंने प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाई ओवर का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर किए जाने की घोषणा की। साथ ही कहा कि जबलपुर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। एक परिवार एक पहचान, क्या है योगी सरकार की फैमिली आईडी, जानिए कैसे मिलेगी सुविधाएं। आपको बता दें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैमिली आईडी योजना की समीक्षा करने के बाद अधिकारियों के जरूरी निर्देश दिए हैं। बता दें इस योजना के तहत तमाम परिवारों का लाइव डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसके आधार पर उन्हें राज्य और केंद्र सरकार की हर योजना को सीधा लाभ मिलेगा। समीक्षा के बाद सीएम ने कहा कि हर परिवार के पास फैमिली आईडी कार्ड होना चाहिए, जो परिवार की हर जरूरत को पूरा करने का माध्यम बनेगा। इसके जरिए हर वंचित और गरीब को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा ये इज ऑफ लिविंग और गुड गवर्नेंस का आधार बनेगा। बता दें कि एक परिवार एक पहचान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट नंबर जारी किया जा रहा है, जिससे राज्य के परिवारों का एक व्यापक डेटाबेस बनेगा। इससे लाभार्थियों के लिए योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शी संचालन और योजना का 70% लाभ मिलेगा। बता दें केंद्र और राज्य सरकार संचालित क्षेत्र योजनाओं सेवाओं को फैमिली आईडी से लिंक किया जा चुका है और बाकी बचे योजनाओं को परिवार आईडी से आगे जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित समस्त योजनाओं को डेटाबेस प्राप्त कर उसे परिवार कल्याण पासबुक और फैमिली आईडी से लिंक कर दिया जाएगा। सोना खरीदने जा रहे हैं क्या, ये है आज 10 ग्राम का नया भाव। आपको बता दें घर में शादी या कोई फंक्शन है तो आप सोना या चांदी की खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले आज मंगलवार का ताज़ा भाव जान ले। आज 25 जून को बाजार खुलते ही फिर सोने चांदी के दाम में मामूली परिवर्तन आया है। नई कीमतों के बाद सोने का भाव 72,000 रुपये और चांदी का रेट 92,000 के करीब आ गए हैं। आज मंगलवार को सर्प बाजार द्वारा जारी सोने चांदी की नई कीमतों के मुताबिक आज 25 जून 2024 को 22 कैरेट के दाम 66,400 रुपये, 24 कैरेट के दाम 72,380 रुपये और 18 ग्राम के 54,330 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। वही एक किलो चांदी का भाव 91,600 रुपये चल रहा है। 1 जुलाई से लागू होंगे RBI के नए नियम, बदल जाएगा क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट का तरीका। आपको बता दें अगर आप क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल बिल पेमेंट के लिए करते हैं तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। दरअसल जून का महीना खत्म होने में महज कुछ दिन बचे हैं, इसके बाद जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा। जुलाई का महीना शुरू होते ही क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट करने वाले लोगों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट को लेकर RBI के कुछ नियम लागू होने वाले हैं, जिसका सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो क्रेडिट कार्ड के जरिए बिल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद पेमेंट का प्रोसेस को सुव्यवस्थित करना और इसकी सुरक्षा बढ़ाना है। कुछ प्लेटफॉर्म के जरिए क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट में मुश्किल हो सकती है, इनमें क्रेड, फोनपे, बिल टैक्स जैसे कुछ प्रमुख फिनटेक्स शामिल है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्देश दिया है कि 30 जून के बाद सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट भारत बिल पेमेंट सिस्टम के जरिए से प्रोसेस की जानी है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक ने BBPS एक्टिवेट नहीं किया है। वही इन बैंकों ने अभी तक निर्देशों का पालन भी नहीं किया है। अभी तक सिर्फ 8 बैंकों ने ही BBPS पर बिल पेमेंट एक्टिव किया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को चाहता है ज्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा।